अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक जगह है फेमस सत्तो लैंड के नाम से। तो मैं मुझे अपने एक पेपर पे काम करना है, तो घर पे जा रहे काम थोड़ा नहीं हो रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपकी सोने की जगह होती है तो वहां पे आपको नींद आ, दिल करता है बस चिल करके बंदा सोता रहे। तो इसलिए मैं फिर यह कि जब कोई काम करना होता है तो मैं फिर अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर लेता हूँ। जिस तरह कभी लाइब्रेरी चला जाता हूँ, आज लाइब्रेरी का भी दिल नहीं कर रहा। कभी रेस्टोरेंट जाता हूँ, तो आज मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो एक यहाँ का मतलब एक ऐसे में अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो आज हम वहाँ पे जाएंगे। तो वो भी मैं आपको जगह भी दिखा दूंगा। मैं खुद भी, मेरा दिल भी कर रहा था वो जगह भी देखूँ, तो दोनों काम हो जाएंगे, पेपर भी हो जाएगा और वो जगह भी देख लेंगे और आपको भी दिखा देंगे। तो लेट्स गो। तो अभी हम निकलेंगे हमारी इस छोटी सी गाड़ी पे। दोस्तों मैं अपनी मंजिल पे पहुंच चुका हूं और आप पीछे देख सकते हैं मेरे, कितना ही ग्रीन सा प्यारा सा एरिया। तो अभी हम जाएंगे अंदर, आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या है। मैं खुद भी काफ़ी एक्साइटेड हूं चीज़ों को देखने के लिए। कोनिचिवा। अभी मैं इनके दूसरे पार्ट में जा रहा हूँ, वो जो है ये मेन रोड है। तो हमें मेन रोड की तरफ नहीं जाना, ऊपर से इन्होंने अलग से रास्ता बनाया हुआ है। तो ये ऊपर से ब्रिज बनाया हुआ है। तो ये पार्ट वन था, इसमें अंदर रेस्टोरेंट वगैरह भी थे इस बिल्डिंग में। तो अभी हम इस तरफ चलते हैं रोड के जो है उस तरफ जो सेक्शन है उसमें, देखते हैं वहाँ पर क्या है। अब ये दोस्तों इनका एक सेक्शन है जहाँ पे आप डिफरेंट डिज़ाइन की, डिफरेंट शेप की, यूनिक स्टाइल की बाइसाइकिल्स इनके पास पड़ी हैं। तो आप उनको लेके जो है आप राइड पे जा सकते हो। तो मैं आपको ज़रा डिज़ाइन दिखाता हूँ, बहुत सारी हैं लेकिन कुछ जा चुकी हैं, लोग लेके जा चुके हैं यहाँ घूमने के लिए, राइड करने के लिए। जो खड़ी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी फार्मूला वन बाइसाइकिल। ये है यहाँ पे फ्री का बारबेक्यू एरिया कि आप अपना जो है गोश्त वगैरह आप लेके आ जाओ और यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हो। और इन्होंने जो है बर्तन वगैरह और जो भी चीज़ आप यूज़ करते धोने वगैरह के लिए भी ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और ये सब जो है ये सब फैसिलिटीज़ मुफ्त में है, कोई इसकी चार्जेस नहीं है, हर चीज़ लगी हुई है। जस्ट आपने अपने कोयले लेके आने, कोयले यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग करके, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। तो अपनी फैमिलीज वगैरह, बच्चे वगैरह साथ में सब इन्जॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी जो है बेहतरीन माहौल है। तो ये मिली अपने काम की हुई जगह, यहाँ पे हम बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आप सामने का मज़े का नज़ारा भी देख सकते हैं। तो अभी मैं अपने काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर बात होगी। यहाँ पे लगभग 12 बजे आया था और अभी जो है पूरे यहाँ पे 2 बज रहे हैं और 2 हो रहे हैं। तो अभी जो है तकरीबन मैं 70%, तो आई थिंक इतना पहले कहीं और मैं इतना काम नहीं कर सका। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ पर आने का कि लगभग जो है 70% काम एक दिन में 2 घंटे के अंदर अंदर हो गया। तो बाकी उसमें कुछ फिगर्स वगैरह बनानी है। चैट जीपीटी से काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि चैट जीपीटी ने पूरा मुझे फॉर्मेट पेपर का बना के दिया कि इस तरह करना है। तो अभी जो है नेक्स्ट जो स्टेप होगा तो फिगर्स होगा वो फिर हम बाद में कर लेंगे, या हो सकता है कल कर लूँ मैं।
तो अभी आज का काम के हवाले से 2 घंटों में आज का फिनिश हो गया, तो अभी थोड़ा हम एरिया घूमेंगे। तो अभी यहाँ पे यह है कि जगह तो और भी हैं पीछे जो है, तो वहाँ पे इनके घोड़े वगैरह भी हैं, इनके जो है बकरों वगैरह का स्टबल भी है कि जहाँ पे आप जाके उनको खिला भी सकते हो, उनके साथ खेल भी सकते हो और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो आप। लेकिन ये है कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगी क्योंकि फ्री की स्पॉट्स मैं आज तक जहाँ भी गया हूँ, तो दिस इज़ वन ऑफ द नाइस वन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बारबेक्यू स्पॉट भी है और उसके अलावा जो है वो भी फ्री में और हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब चीज़ें आपको धोना वगैरह कुछ भी है, मतलब वहाँ पे जब आप यूज़ कर रहे हो बारबेक्यू स्पेस को तो बर्तन वगैरह धोने, तो हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और वैसे ही भी आया करूँगा, दोस्तों को भी अपने को भी लेके आऊँगा यहाँ पे। तो आई थिंक वन ऑफ द नाइस स्पॉट्स।